बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। मारे विहुतम में साजन तिलंग भजन 45। साजन दम मारे वे दम में। दम अंदर जो दम थो बोले, राज छुपियल थी उनजे ओले। सुनज सजन तू कन बई खोले, ख्याल न दे बे कम में। ठीक। इस भजन में गुरु महाराज जी श्वासों का महत्व बता रहे हैं कि उन श्वासों की तरफ ध्यान दो, उन श्वासों की भाषा को समझो जो अंतर में अनहद नाद बज रहा है। श्वासों के द्वारा उस नाद को श्रवण करो। श्वास पे अपने मन की वृत्ति एकाग्र करो। शांत होते होते मन उस आवाज नाद को सुनेगा। दम अंदर जो दम तो बोले, राज छिपियल थी उनजे चोले। उसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है।
ध्यान से, ये बाहर के कान वहाँ पे काम नहीं आएंगे। ही कन गादा विकणी ब्याके कन गनेज। संतों ने लिखा है कि अंतर के कानों से उस नाद को श्रवण करो, दूसरी तरफ से अपना मन हटाओ। मन की वृत्ति जब तक एकाग्र नहीं होगी तब तक उस नाद का श्रवण नहीं होगा। दम दम में दम जो ही दम थी, दम बिना बे खाली बम थी। दम में थे सब सृष्टि खत्म थी, खोड़ज ख्याल खशम में। खशम माना परमात्मा, स्वामी, मालिक। उसके साथ अपने मन की वृत्ति को मिलाओ। श्वासों का ही ये सारा संसार में खेल चल रहा है। श्वासों के आधार पे प्राणियों के शरीर चलते हैं, और श्वासों को जिसने जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। अंतर में मन की वृत्ति को एकाग्र करके उस नाद का श्रवण करो, तभी तुम्हें आगे का पथ मिलेगा। दम दीपक में दम थई ज्योति, दम सिप अंदर दम थई मोती। श्वासों रूपी दीपक है और श्वासों रूपी उसमें ज्योत जल रही है। सिप्पी के अंदर मोती रहता है, उसी प्रकार से श्वासों के अंदर भी बहुत बड़ा चमत्कार शक्ति समाई हुई है। दम बिना सब आहे फोती, चित्त न लगाए चम में। चम माना चमड़ी, शरीर, पंचभौतिक शरीर, उसमें अपना मन न अटकाओ। उस श्वासों की शक्ति के बिना ये शरीर भी जड़ है। इनके अंदर जब तक प्राण संचार नहीं करते तब तक चेतनता नहीं आती। दम में थी इसरार समूरो, टेऊं दम खे समझे सूरो। जैखे मिलियो सतगुरु पूरो, दम बिन घारन गम में। इस श्वासों में ही सारा असरार शक्ति चमत्कार रखा हुआ है। श्वासों के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन कोई विद्वान, कोई जिज्ञासु, कोई अंतर्मुख प्राणी उन श्वासों के महत्व को समझता है। जिसको पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो तो उस श्वासों की तरफ ध्यान न देके अगर संसार के विषयों की तरफ तुमने ध्यान दिया तो गम, चिंताएं, दुख, कष्ट तुम्हें घेर जाएंगे। गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा जिज्ञासु को सावधान कर रहे हैं। अमरापुर वाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय, प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत, भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के, है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ।
डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।